आज का विवाद हुआ है वसूली करने के नाम से। हिंदू युवा मंच में एक लड़का रहता था जिसका नाम है राकेश लोचन तिवारी। वह लड़का अवैध वसूली करता था करके जानकारी में आया, उसको लोगों ने संगठन से बाहर दिख कर दिया। के बाद अवैध वसूली की जानकारी बहुत आने लगी, इंदिरा मार्केट हो चाहे कहीं भी हो, इसमें अवैध वसूली कर रहा है, अवैध वसूली कर रहा है, ऐसी बात आ रही थी। लेकिन बिना प्रमाण के तो हम नहीं बोल सकते कि अवैध वसूली है, कोई कई लोग लगाते हैं आरोप। लेकिन जब प्रार्थी गुपचुप बेचने वाला सामने आकर के जब इस अपराध को जब बताया कि ऐसा ऐसा किया है, तब हमको लगा कि ये मैटर सीरियस है, इस पर शिकायत होना चाहिए। तो हम शिकायत करने गए तो वहाँ पहले से ही राकेश लोचन तिवारी नामक व्यक्ति कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर के वहाँ माहौल ख़राब करने के लिए खड़ा हो गया, प्रार्थियों को डराने धमकाने के लिए। उसी के बाद में रवि निगम की टीम पहुँचती है और उसमें फिर वाद विवाद होता है, माहौल इतना बिगड़ जाता है कि प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। और अभी आकर के प्रार्थिया एसपी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराई है और अभी थाने में उसका बयान चल रहा है। आने वार के अवैध वसूली करने वाला यहाँ से बाहर जाए, समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि हम संगठन के लोग हिंदू हित में कार्य करते हैं, हिंदुओं को लूटने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति हमारे साथ काम करेगा, तो लगातार ये विरोध होता रहेगा और आगे भी होगा। अब ऐसा ना हो कि एक दूसरे का ये हत्या कर दे। इसलिए हथियार निकले नहीं, हथियार निकालने वाली बात आपको कुछ ने बता दिया, मुझे समझ में नहीं आया। भैया डंडा वंडा तो था, पुलिस ने जब्त किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा गलत फहमी हो गया। एक बार ये दो गुट आपस में भिड़े थे अंजोरा चौकी में, एक गुट ने दूसरे गुट के खिलाफ शिकायत के लिए आवेदन दिया था, उसी दौरान दूसरे गुट का भी वहाँ पे आना हुआ और आमना सामना हो गया था। उस दौरान पुलिस बल वहाँ पर तैनात थे, थोड़ा झूमा झटकी का माहौल हुआ था। उस दौरान पुलिस ने वहाँ बीच बचाव करके स्थिति को संभाला है और जो भी वीडियो फुटेज वगैरह आए हैं और जो भी हमारे पास साक्ष्य हैं उसके हिसाब से हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। एक कट्टे टाइप का, एक रिवॉल्वर टाइप का एक ये मिला है हमको, बंदूक मिली है उसकी पर उसका परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण कराने पर उसके जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो उसके हिसाब से की जाएगी।